इस साल गोरखपुर महोत्सव में हम लोगों ने रोबो शॉकर कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराया है रियल रोबोटिक्स के अंडर। मैं ओशो आनंद, फाउंडर ऑफ रियल रोबोटिक्स। इसमें हमने बच्चों को रोबोट बनाने की प्रशिक्षण दी थी कि ये किस तरीके से रोबो शॉकर के एक बॉट को बना सकते हैं, और हर एक टीम में दो दो बॉट हैं और बच्चों को इसमें बॉट के, जैसे आप देख सकते हैं, कॉम्पिटिशन करके गोल करने हैं। जिन भी टीम की सबसे ज़्यादा गोल होंगी वो टीम इसमें टॉप पे रहेगी और वही टीम एंड में जीतेगी। अभी तक के जो हमारे रिजल्ट हैं वो ये हैं कि सरमाउंट इंटरनेशनल स्कूल, ये लोग फाइनल्स में है, सेकंड पे आराध्य की टीम है और थर्ड पे आरओ की टीम है, फोर्थ पे कनिष्क की टीम है। फाइनल जो है वो आपकी 2 बजे होगी और जो हमारे आशा है वो ये है कि सरमाउंट और आराध्य के बीच में ये फाइनल होने वाला है। एजुकेशन के मामले में काफी सारे इम्प्रूवमेंट किया है और काफी ज्यादा चीजों को प्रेजेंट किया है। आज इनकी जो भी फंक्शन एरिया है या अदरवाइज जो भी ये चाहते हैं वो करते हैं, और आप उनके सामने इन्होंने ये प्रेजेंटेशन और एक स्टेटमेंट किया जो पिछले साल 2021 में हमने हर्डल मेनिया कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया था। उसमें हमने एक 30 फीट की ट्रैक बनाई थी जिसमें बच्चों ने वायर्ड रोबोट बना के पार्टिसिपेट किया था। इस साल हमने वायरलेस रोबोट बनवाया है और बच्चे उससे ये रोबो शॉकर कंपटीशन को कर रहे हैं। हम गोरखपुर की सारी जनता से ये आशा करते हैं कि वो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दें, अपने बच्चों को इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए आगे बढ़ाएं, हमारी संस्था रियल रोबोटिक्स से जुड़े और अपने बच्चों को ऐसे कॉम्पिटिशन्स में आगे ले आके नवचार को बढ़ावा दें। इसको बनाने के लिए बच्चों ने आर्डिनो SC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल, मोटर्स और मोटर ड्राइवर का यूज़ किया है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बच्चे इस इन बॉट्स को अपने मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल करते हैं। आज की डेट में जो हम पाते हैं कि बच्चे मोबाइल का सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उसका गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं, तो हम बच्चों को इस तरीके की बॉट्स बना के ब्लूटूथ से कनेक्ट करके उनको घर में दे सकते हैं कि वो इन मोबाइल का सही उपयोग कर पाए। और ये एक ऐसी खुद का बनाया हुआ चीज़ है जो बच्चे अपने हाथों से बनाएंगे, और बाकी बच्चों को जो हम खिलौने देते हैं वो हम मार्केट से खरीद के ला के देते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे खुद अपने हाथ से बनाएंगे और खुद इसे चलाएंगे, तो इससे बच्चों को भी एक इंटरेस्ट आएगा और बच्चे भी फ्यूचर की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ और ज़्यादा ड्रिवन होंगे और मोबाइल का सही सदुपयोग कर पाएंगे। धन्यवाद।